मैं बिलखसूस आरटी 101 यूनिट का बहुत मशहूर हूँ, बिलखसूस उनके कमांडिंग साहब का और जितने भी आए हैं अफीसरान यहाँ, इन सब का अपनी आवाम की तरफ से और अपनी तरफ से मैं नहायत ही इनका मशहूर हूँ कि इनने अपनी गुनागुन मसरूफियात के बावजूद यहाँ लोगों की सहूलियत के लिए एक मेडिकल कैंप रखा, जिससे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं और अच्छे डॉक्टर यहाँ भेजे हैं, अच्छी दवाइयाँ दे रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं भी और ये लोग भी अदा कर रहे हैं। मैं आइंदा के लिए भी अपने यूनिट की तरफ से उम्मीद रखता हूं कि आइंदा भी इसी तरह से कैंप लगाते रहेंगे और लोगों की हौसला अफजाई करते रहेंगे और इसी तरह से मैं अपनी सरकार से भी उम्मीद रखता हूं कि बिलखसूस यहां ये जो इलाका है, खासकर ढराना, ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, बॉर्डर इलाका है, यहाँ बहुत सारी मुश्किलात हैं, इलाज के अलावा भी बहुत सारी मुश्किलात हैं, जैसे आए दिन यहाँ शेलिंग होती रहती है और शेलिंग की वजह से हमारी बहुत सारी कीमती जानों का और ज़ाया हुआ है और बहुत सारे माल मवेशी भी ज़ख्मी हुए हैं। कई बार मैंने इससे पहले भी इल्तजा की यहाँ के माल मवेशियों के लिए कोई एक कोई माकूल बंदोबस्त किया जाए उनके हॉस्पिटल के लिए, कि जब जो ज़ख्मी हो जाते हैं तो यहाँ से लेके आड़ी तक जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो सरकार से मैं इल्तजा करता हूँ एक तो यहाँ हमें कोई एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से कोई कैंप दिया जाए और दूसरा ये है कि सरकार से बिलखसूस मैं इल्तजा करता हूँ कि बॉर्डर इलाका होने की वजह से, शेलिंग की वजह से हमारी मुश्किलात को कम करने के लिए मैं इल्तजा करता हूँ कि हमें पुख्ता बंकर दिए जाएँ ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सकें। इसके अलावा सारे मसले हैं जैसे बिजली है, पानी है, उन पर भी तवज्जो दे ताकि लोगों के मसले हल हो सकें और उसके अलावा यहाँ हमारी जो सड़कें हैं जो कि अनकम्प्लीट हैं, अभी तक कम्प्लीट नहीं हुए, जिनमें किसी में अर्थवर्क हुआ है जिस पर गाड़ी नहीं चलती है, तो मैं सरकार से इल्तजा करता हूँ कि उनको जल्द अज जल्द ख़त्म करें काम बना के ताकि लोगों की मुश्किल हल हो सके। उस 101 रेजिमेंट का बहुत ही मशहूर हूँ और आवाम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने एक बहुत अच्छा कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया और जिसकी वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, शुक्रिया। कैंप का इनकाद किया यहाँ, इसके लिए मैं सबसे पहले इनका बहुत शुक्रिया आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि फ़ौज हमारे साथ शाना पेशाना रही है और हमारी हर मुश्किलात में आर्मी है हमारी, उसने हमारी मदद की है। इसमें से जो लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं सबसे ज़्यादा वो गरीब आवाम है, तो लिहाजा हम भी फ़ौज के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे और लोग बहुत खुश हैं, लोगों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।